ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग लेके आए हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर रीयूनियन रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या आपका रिश्ता ऑन ऑफ से गुजरता है या सेपरेशन में चल रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, या पहले बहुत अच्छा था बट अभी कुछ टाइम से ब्रेकअप है, दूसरे से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते या बोलते हैं पर कम कम बात करते हैं, कुछ भी उतार चढ़ाव जो आपके रिश्ते से आप गुजर रहे हैं हम उसके बारे में देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इसे जनरल रीडिंग की तरह लेना। मून साइन और सन साइन या फिर नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो आपसे मैच करे आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक रीडिंग आप तक ज़रूर पहुंचे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं गवाते, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जेमिनी, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या आपके पार्टनर सोचते हैं इस सिचुएशन में। सबसे पहले उनकी करंट मनोस्थिति देखते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो रीयूनियन चाहते हैं, फ्यूचर में वो सोच रहे हैं रीयूनियन के बारे में, एंड देन हम देखेंगे कि क्या वो एक्शन लेंगे रीयूनियन के लिए। ठीक है, सो इस तरह से, एंड लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। बहुत बार कार्ड्स उछल रहे हैं, आई थिंक बहुत ही मैसेज देने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावलापन है शायद। सो क्या है आप जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर दिस रिश्ता। सो नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, बहुत क्लियर रीडिंग है और बहुत सटीक आपको बताऊंगी। ये इंसान ये सोच रहा है कि अब तक जो इन्होंने एकदम से इमेच्योर और एक गुस्से वाला बिहेवियर आपके लिए दिखाया है, किसी तरह से अब, क्योंकि आप दोनों बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे, नाराज़ हैं, ऑन ऑफ में रहते हैं, सेपरेशन आ जाता है, तो एक जो फीलिंग इन्होंने आपको आज तक दिया है जेमिनी, उस एक फीलिंग से अब इन्हें भी बोरियत आने लगी है। उन्हें भी लगने लगा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये अब ये फील करते हैं कि किसी तरह मैं कोई ऐसी चीज़ें करूँ, ऐसे बिहेव करूँ कि आगे बढ़ के मैं अब जेमिनी को ये एहसास दिलाऊँ या ये बताऊँ कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ इस रिश्ते में काम करने के लिए, मैं रेडी हूँ कुछ चीज़ों में आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, मैं रेडी हूँ पुरानी चीज़ों को, पुरानी प्रॉब्लम्स को भूलकर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। सो मुझे एक बहुत अच्छा इनकी तरफ से एक फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, और जो भी इन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा आपको टफ़ टाइम दिया है या हार्श टाइम दिया भी है, सो ये उन चीज़ों को अब ओवरकम करके ठीक करना चाहते हैं। तो एक रेक्टिफिकेशन मोड में ये दिख रहे हैं मुझे। हम ये देखेंगे क्या ये अब आपके साथ प्रॉपर रीयूनियन चाहते हैं, उसके लिए कार्ड्स निकालेंगे। सो क्या ये रीयूनियन जेमिनी के पार्टनर चाहते हैं, क्या जेमिनी के पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं? यस, ये रीयूनियन चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो रीयूनियन है, कहीं ना कहीं जो आपने अब तक इनको बहुत ज़्यादा इस पूरी सिचुएशन में दूर रहकर भी इन्हें फील कराया है, कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से महसूस हो गया है कि जेमिनी बहुत ही लविंग पर्सन है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। इनके इतने रूखे व्यवहार के बाद भी आपने जिस तरीके से इन्हें डील किया है वो मतलब कमाले, कहते ना, काबिले तारीफ है। और अब ये सोचते हैं कि आपकी उस पूरी की हुई मेहनत को देखकर ये फ्यूचर में चाहते हैं कि वक्त का पहिया घूमे और किसी तरह आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। सो इनकी जो एक एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव हैं। यस, ये आपकी तरफ बढ़कर रीयूनियन करना चाहते हैं जेमिनी। हम ये देखेंगे दूसरे डेक से, क्या ये आने वाले टाइम में इस रीयूनियन के लिए कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है,
सो जेमिनाई, हम आपके लिए ये देखते हैं क्या ये आने वाले टाइम में जेमिनाई के साथ रीयूनियन करने के लिए उनका पार्टनर एक्शन लेगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखें सो जेमिनाई, जो चीज़ मुझे बहुत क्लियर नज़र आई है और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आने वाले टाइम में इनके मन में है कि ये अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, वो थर्ड पार्टी जैसे मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे वो इनके परिवार की तरफ से कुछ हो, चाहे वो इनकी सोच हो नेगेटिव, चाहे वो इनकी एक जैसे गलत आदतें हों, एडिक्शंस हों, कुछ ऐसा हो या कुछ भी, ये चाहते हैं आने वाले टाइम में पहले ये अपनी थर्ड पार्टी को, उस सोच को, उस पर्सन को, उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ें जो इन्होंने आज तक पूरा बना के रखा है, और ये चाहते हैं उसे गिव अप करना, जिसके बीच में ये सोचते रहते हैं कि मैं इसकी तरफ जाऊं कि मैं उसकी तरफ जाऊं, अभी इनका दिमाग ऐसा रहता है, बट अब ये चाहते हैं बहुत सोच विचार के कि इन्हें उस थर्ड पार्टी को लीव करना है, गिव अप करना है और आपकी तरफ दोबारा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ बढ़ाना है ताकि आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन अच्छी हो जाए और दोबारा से रीयूनियन इनिशिएट हो जाए, एक फाइनल रीयूनियन रिकन्सिलिएशन हो जाए। सो बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। मुझे लगता है जेमिनाई, आपके पार्टनर जल्द ही आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस, आपको क्या डिवाइन कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए आपको इस पूरी सिचुएशन में। लुक एट द बिगर पिक्चर, सबसे पहले तो ये देखें कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो आपकी लाइफ में अभी चल रही है, इसका आज से आने वाले 5 साल पे, 10 साल पे या 20 साल में क्या असर होने वाला है। सो उस तरह से देखें चीज़ों को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा अच्छा किया है, तो आपके साथ भी बुरा नहीं हो सकता। कुछ टाइम ज़रूर हो सकता है, कुछ टाइम कहते हैं ना बादल आ जाते हैं चांद के आगे, लेकिन फिर वो भी हट जाते हैं। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने मन में ये जो इनसिक्योरिटी स्ट्रेस लेके आप हर समय घूमते रहते हैं ना, उससे बाहर आ जाइए, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप खुद ही अपने ही जाल बनाए, माइंड के जाल बनाए में फंसते रहते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप उस पूरे स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालें और क्लियर करें उन सब चीज़ों को, ठीक है। सो जेमिनाई, ये है आपकी रीडिंग जो कि काफ़ी पॉजिटिव थी और अच्छी दिखी। सो आपके लिए आई होप क्लैरिटी मिली हो आपको अपने पार्टनर के बारे में, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय फॉर नाउ।